आप सभी का फिर स्वागत है। आज जिस विचारक के महत्वपूर्ण विचार को हम जानेंगे वो विचारक हैं मैकियावेली। मैकियावेली को भारत के लोगों को जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि मैकियावेली के विचारों की तुलना हमारे देश के विचारक कौटिल्य से भी की जाती है। मैकियावेली को स्टेट क्राफ्ट के संदर्भ में सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। मैकियावेली को यह भी हम कह सकते हैं कि मैकियावेली सभी ही विचारकों में एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण विचारक हैं, क्योंकि उनकी बहुत अधिक आलोचना भी की जाती है। जब भी हम मैकियावेली की बात करते हैं तो मैकियावेली का ये जो विचार है, इन पॉलिटिक्स एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, हमारे दिमाग में आता है। और यही मैकियावेली की एक तरीके से मैकियावेली को परिभाषित करता है, या यही मैकियावेली का परिचय बन चुका है। मैकियावेली के आलोचकों में से एक हमारे देश के आलोचक भी हैं, आप सभी उन्हें जानते हैं। मैं राष्ट्रपिता गांधी जी की बात कर रही हूँ। और चूंकि मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता के क्षेत्र को अलग अलग किया, यही कारण है कि महात्मा गांधी मैकियावेली के इस चिंतन, जिसे दोहरी नागरिकता का चिंतन कहते हैं, उसके एक कटु आलोचक थे। आज मैं मैकियावेली के इस विचार से आपको अवगत कराऊंगी, जो काफ़ी भिन्न है, जिसे कुछ कम ही लोग जानते होंगे। आज मैं मैकियावेली के साधन और साध्य के सिद्धांत से नहीं, वरन एक अन्य सिद्धांत जो मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रेरणापद है, और हमें उस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। वो सिद्धांत है मैकियावेली का फॉर्ट्यूना का सिद्धांत। फॉर्ट्यूना या फॉर्च्यून, अगर हम इटालियन एस्पेक्ट्स में उसकी बात करें तो ये भाग्य नहीं वरन दुर्भाग्य का द्योतक है। मैकियावेली एक बहुत ही व्यवहारिक विचारक हैं। मैकियावेली ने ये बताया है कि हमारे जीवन में भाग्य की जो भूमिका है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भाग्य की भी भूमिका को हमें स्वीकार करना होगा। भाग्य अर्थात मैकियावेली कहते हैं ऐसी चीज़ें जिस पर मनुष्य का वश नहीं होता है, उसे हम भाग्य कहते हैं। ऐसा हो सकता है, अगर एक उदाहरण की बात लें, कि हमने सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी की, सभी जो भी महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हमें करनी थी वो सभी हमने की, परंतु फिर भी ऐसा हो सकता है कि हमें असफलता का सामना करना पड़े। ये जो असफलता है ये क्या है, ये क्यों है? कभी कभी जब आपको इस प्रश्न का उत्तर ना मिले, तब आप मैकियावेली के फॉर्ट्यूना के प्रश्न या फॉर्ट्यूना के विचार को जानिए। तो कभी कभी हमारे बस में चीज़ें नहीं होती, और हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, हुई है वही जो राम रचि राखा। ये कहीं ना कहीं विचार भाग्य से मनुष्य के जीवन को जोड़ते हैं। परंतु मैकियावेली के विचार कुछ खास हैं। मैकियावेली के विचार में भाग्य का कंसिडरेशन तो है, पर भाग्यवादिता या फैटलिज्म नहीं है। मैकियावेली ये नहीं मानते हुई है वही जो राम रचि राखा। मैकियावेली ये मानते हैं कि मनुष्य के अंदर ये शक्ति है कि वो भाग्य को परिवर्तित कर सकता है।
तो मैकियावेली का जो फॉर्ट्यूना का सिद्धांत है उसके साथ ही मैकियावेली का एक और सिद्धांत है जिसे हम वर्ट्यू का सिद्धांत कहते हैं। मैकियावेली जब दुर्भाग्य या बुरे समय की बात करते हैं तो मैकियावेली दुर्भाग्य को एक उफनती नदी के समान बताते हैं। उफनती नदी यानी एक इस प्रकार की विकट परिस्थिति जिसका सामना करना मनुष्य के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जब दुर्भाग्य आता है तो मैकियावेली कहते हैं कि जो सारा संसार है वो हमारे विपरीत हो जाता है और मनुष्य एकदम अकेला हो जाता है। दुर्भाग्य के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या मनुष्य को हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाना चाहिए या फिर दुर्भाग्य का डट कर सामना करना चाहिए? यहीं पर आता है मैकियावेली का बहुत महत्वपूर्ण विचार, जहाँ पर मैकियावेली एक सद्गुण की बात करते हैं और वो सद्गुण है करेज का, वो सद्गुण है साहस का। मैकियावेली के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रिंस बनना चाहता है, प्रिंस ही नहीं आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि सफलता चाहते हैं तो आपके अंदर जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए वो होना चाहिए साहस, क्योंकि साहस के बिना मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये साहस ही तो है जो हमें फियर ऑफ फेलियर से उबारता है। तो मैकियावेली भाग्य को तो मानते हैं पर भाग्य के सहारे बैठते नहीं हैं। वो हमें प्रेरित करते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम उठें और भाग्य का डट कर मुकाबला करें। हमारे सामने दुर्भाग्य है तो, और अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर कर बैठ गए तो वैसे भी हम हारे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन अगर हमने भाग्य का सामना करने की कोशिश की तो एक संभावना बनती है कि हम असफलता से सफलता की ओर जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम जब दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं तब भी हमें असफलता ही हाथ लगे, परंतु कहा जा सकता है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। खुद को निराश करने से तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसीलिए मैकियावेली कहते हैं कि यदि कोई अपने अंदर गुणों का विकास करता है तो वो भाग्य को भी ओवरकम कर सकता है। अपने अंदर किस गुण का विकास करना है? अपने अंदर करेज का विकास करना है, और जो भी व्यक्ति करेज से इस भाग्य या बुरे समय का डटकर मुकाबला करता है, तो ऐसी भी कहावत कही जाती है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी हम दुर्भाग्य को या गलत या अपने विपरीत परिस्थितियों को अपने फेवर में कर सकते हैं। इसी तरह मैकियावेली ने जो एक भाग्य है उसकी संज्ञा, अगर एक तरफ मैकियावेली दुर्भाग्य को उफनती नदी मानते हैं तो दूसरी तरफ मैकियावेली दुर्भाग्य को एक महिला से लिंक करके या एक महिला का उपमान देते हैं, और वो मानते हैं कि लाइक वुमेन एम्ब्रेसिंग द ब्रेव मैन, यानी जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो एक साहसी मनुष्य या पुरुष को महत्व देती हैं या उनको अपना सम्मान देती हैं, उसी तरह भाग्य की भी यही प्रकृति है कि यदि हम साहस से भाग्य का सामना करें तो हम समय को, विपरीत समय को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो मैकियावेली का ये जो विचार है ये कितना ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व रखता है शायद आप इसे समझ सके होंगे। अब तक जब से मैंने ये व्याख्यान चालू किया है तो हमेशा ऐसा लगा कि जिस तरीके के विचार हमारे पाश्चात्य दार्शनिकों ने रखे हैं, लगभग ऐसे ही विचार हमारे भारत के दार्शनिकों ने, भारत के जो विद्वान जन हैं, भारत के जो कवि जन हैं,
उन लोगों ने ही रखे हैं। तो मैकियावेली का जो फॉर्च्यून और करेज का जो सिद्धांत है, लगभग वैसा ही विचार हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविताओं में भी मिलता है। आज मैं राष्ट्रकवि दिनकर की कुछ पंक्तियाँ, उनकी कविता के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो मैकियावेली कहते हैं, वही दिनकर ने हमारी हिंदी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति की है। तो दिनकर जी ये कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। इस बात पर आप गौर करिए कि जो विपत्ति है वो किसे डरा सकती है, ये उसी को डरा सकती है जो कायर व्यक्ति है, जो विपत्ति का सामना नहीं करना चाहता। तो दिनकर जी कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। लेकिन जो सूरमा व्यक्ति हैं, जो ब्रेव लाइक लायन हैं, वो विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो ऐसे समय आपको साहस और आपको धैर्य की आवश्यकता है। विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। तो जब हम विघ्नों से भागेंगे नहीं और उनको गले लगाएंगे, तो कांटों में भी हमारी राह बन जाएगी। एक और बहुत सुंदर अंश है दिनकर जी का। दिनकर जी कहते हैं, ब्रह्म से लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। तो अगर हमें सुख की कामना है, तो हमारे अंदर भुज बल, हमारे अंदर करेज होना चाहिए। सेम एग्जैक्टली सेम भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वो मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से, सदा हारती वो मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। तो आप इस बात के महत्व को समझिए। ऐसा कहा जाता है कि लक प्लेज अ रोल इन आवर लाइफ, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, हार्डर यू वर्क लकियर यू बिकम। और ये जो हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन आता है, ये कहाँ से आता है? ये मोटिवेशन आता है जब आपके अंदर साहस होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चिंतन है, ये जो कविताएं हैं, ये हमारी ऐसी अमूल्य निधि है, ये हमारी ऐसी विरासत है जिसे हमें जानना चाहिए। एक सुंदर विचारों से ही तो एक सुंदर जीवन बनता है। तो साहस को लेकर के ही मैं दुष्यंत जी की रचना भी आपके सामने रखती हूँ, जो हमेशा काफ़ी प्रेरित करती है। वो कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आशा करती हूँ कि इस चिंतन से आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिला होगा। अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। पुनः सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया की कामना के साथ मैं ये व्याख्यान बंद करती हूँ, समाप्त करती हूँ, और हम कुछ ही समय बाद फिर से मिलेंगे। अगर आपके कुछ विचार हैं तो हम उस विचारों पर बात करेंगे, विवाद करेंगे।
चलिए मैकियावेली के सुंदर विचार के बाद आपके विचारों को जानते हैं। ध्यानेश्वर जितेंद्र सिंह राठौर, स्टीयर करेज लीड्स टू सक्सेस। मैम, करेज और गलत फहमी में क्या डिफरेंस है? हमें कब पता चले कि जो करेज हमारे में है वो सॉलिड है कि हॉलो है? मुझे तो लगता है कि ये जो प्रश्न है काफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट्री है अपने अंदर, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर करेज है या व्यक्ति के अंदर अहम है ये व्यक्ति खुद जान सकता है, क्योंकि हमारे अंदर रीज़न है, हमारे अंदर विवेक है। और जब भी आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप हमेशा अपनी आत्मा से सुने और अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। ये जो आत्मा है यही आपका बेस्ट गाइड है, ये हमेशा बताएगा। जब भी आप करेज के साथ या साहस के साथ कोई कार्य कर रहे होंगे, आप अंदर से अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे, आपके अंदर कोई डिलेमा नहीं होगा। लेकिन जब आप अहम से प्रेरित होकर के कोई चीज़ कार्य कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें फियर होगा या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। तो हमें बाहर से कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हमने आरंभ किया था, नो दाई सेल्फ, मैं बार बार कहती हूँ, आप अपनी आत्मा से ये प्रश्न पूछिए और आत्मा आपको हमेशा बताएगी कि ये करेज है या ये दुस्साहस है। तो मनुष्य के अंदर वो विवेक है, वो तर्क है, जो उसका सबसे अच्छा गाइड बन सकता है। ये जो इसी बात को तो गीता में समझाया गया है कि जब गीता में युद्ध हो रहा था तो ये युद्ध केवल वो युद्ध नहीं है जो 3-4 हज़ार साल पहले हुआ। गीता में जिस युद्ध की बात की गई है वो तो हमारे जीवन में हर दिन, वो युद्ध हमारे जीवन में आता है हर दिन। हम अर्जुन के समान एक प्रकार की डिलेमा में होते हैं और इस समय यदि हमारे को इससे कोई उबार सकता है तो हमारे अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान ही तो भगवान है, उसी को तो कृष्ण कहते हैं। तो हमारे अंदर के जो, अगर हम कृष्ण को देखेंगे वो कहाँ है? वो हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है, हमारे विवेक में है। हीगल क्या कहता है? हीगल यही तो कहता है कि गॉड क्या है? गॉड है एब्सोल्यूट स्पिरिट। स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट हमारी सोल में है और स्पिरिट ही तो करेज, करेज जो है वो स्पिरिट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी समय हुआ तो हम हीगल के विचारों को भी जानेंगे। और शायद जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपना प्रश्न उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्योंकि उसके बेहतर आपको और कोई गाइड नहीं मिल सकता है। क्या मैम जो सोचते हैं वही होता है रियलिटी में? हाँ, होता है। मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी थिंकिंग से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बी पॉजिटिव, इसीलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव। किसी दिन समय होगा तो हीगल के विचारों को मैं आपके सामने रखूंगी। तो हीगल ने एक डायलेक्टिक्स का विचार दिया है, एक द्वंद का विचार दिया है। और हीगल कहते हैं निगेटिविटी निगेट्स इटसेल्फ। अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं, चाहे अपने बारे में या किसी और के बारे में, तो नकारात्मकता खुद को समाप्त कर देती है। और जो सकारात्मक हम विचार रखते हैं, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो केवल हमारा अपना फ़ायदा नहीं होता है, उससे हम समाज का भी फ़ायदा करते हैं। जिसको हीगल सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस और ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस के माध्यम से बताते हैं। ऐसे गंभीर समय में जब हम स्वजनों को खो रहे हैं, हम खुद को साहसी कैसे रखें? काफ़ी प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि हमें जीना तो है। हमारे स्वजन, ये जो दुख है, इस दुख का हम कोई उस दुख को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, परंतु फिर भी हमें जीना है। हमें
अपने लिए जीना है, हमें अपने देश, अपने समाज, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने जो भी लोग हैं उनके लिए जीना है, अगर भगवान ने हमें ये जीवन दिया है जो सबसे एक अमूल्य गिफ्ट है, तो उसका लक्ष्य यही है कि आप अच्छा जीवन जिए, आप धैर्य रखें, आप अपने खुश को, अपनी जो खुशी है उसको आप बढ़ा लें, आप अपना परिवार एक संकुचित फॉर्म में ही ना देखें, आप अपने परिवार को एक व्यापक रूप में देखें। ये पूरा जो समाज है, ये पूरा देश भी हमारा परिवार हो सकता है, हमारी जो खुशी है वो काफ़ी बढ़ सकती है। इस तरीके के भी विचार काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हम अरबिंदो घोष की बात करें, चाहे हम हीगल की भी बात करें। तो ऐसे समय धैर्य रखिए, ये जो जीवन है, जीवन का कोई मकसद है, जीवन का कोई पर्पस है, भगवान का जो भी आदेश है अपनी तरफ से, आप उसको एक्सेप्ट करके साहस रखें और हमेशा मानिए कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, चीज़ें बदलती हैं। हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, हमारे जीवन में ख़राब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन समस्या है कि हमारे जीवन में जो अच्छी चीज़ें होती हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमारे जीवन में जो भी पॉजिटिव चीज़ें या जो चीज़ें हमें मिली हैं हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने भी वो तालिस्मा दिया है कि जब भी आपको दुख महसूस हो आप हमेशा उस व्यक्ति को देखें जो आपसे भी अधिक दुखी है, और आप केवल अपने लिए नहीं जिए, आप अपना जीवन एक बड़े लक्ष्य की तरफ समर्पित करें। मैम, हाउ डू वी इंश्योर वी डोंट फेस अनफॉर्चुनेट, डज डिपेंड ऑन फॉर्च्यून और हार्ड वर्क? देखिए, अनफॉर्चुनेट सरकमस्टांसेस, आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। आज अच्छी बात है कि आप सभी विषय से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि अब धीरे धीरे आप इस श्रृंखला का जो मतलब है वो समझ पा रहे हैं, और आप जो प्रश्न रख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और हम सब, ये जो बुरा समय है, इस बुरे समय में जब हम सब साथ होंगे, कम से कम इसी माध्यम से जब हम अपने सुख दुखों को बांटेंगे, तभी हम आगे जा कर के इस तरीके की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब दुख तो भगवान के जीवन में भी आया, रामचंद्र जी को भी तो वनवास झेलना पड़ा, सीता जी को दोबारा वनवास झेलना पड़ा, तो हम जैसे सामान्य लोगों के जीवन में दुख तो आना ही है। डिपेंड करता है कि हम दुख का सामना कैसे कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों से हम हार के उसका सामना कर रहे हैं या उस पर जीत कर हम सामना कर रहे हैं। जीवन में असंख्य संभावनाएं हैं, एक असफलता किसी व्यक्ति के पूर्ण जीवन को परिभाषित नहीं कर सकती है। हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड टेक प्रॉपर डिसीशन, तो इसके लिए तो मैं एरिस्टोटल के विचार को लिखूंगी, बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग, अगर एरिस्टोटल यही तो कहते हैं कि अगर हमें ये पता भी चल जाए ये अच्छा है तो हम अच्छे नहीं बन जाते, जब तक कि हम उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। तो ओवर थिंकिंग, आप जो भी सोच रहे हैं आप उस पर अमल करने लगिए। जब हम उस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं तो हमें खुद अपने थिंकिंग, हमें थॉट और एक्शन, इन दोनों चीज़ों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो हमारे विचार, बहुत तरीके के विचार हमारे जीवन में आते हैं, तो वो सही हैं या गलत हैं आप उसको, उस विचार पर एक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, और खुद आपको रियलाइज़ होगा कि हमारा ये जो विचार है इसमें ये कमी है, या इसको इस तरीके से करा जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और कोई तरीका नहीं है। जैसे हमारे विचार हों वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए, वरना विचारों का कोई मूल्य नहीं है यदि हम विचारों को अपने आचरण में नहीं आए और लाएं। साथ ही साथ हमें अपने आचरण पर हमेशा एक सकारात्मक परिवर्तन करते रहना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। वी आर नेवर डिफीटेड अनटिल वी स्टॉप ट्राइंग।
प्रिपरेशन के दौरान भावात्मक तकलीफ से कैसे बचे। मेरे हिसाब से आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हुए हैं। आपके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी होने वाली है, तो आप किसी भी प्रकार का जो एक इमैच्योर या एक बचकाना जो भी एक चरित्र नहीं रख सकते हैं। आपको दूसरों को संबल देना है, आपको दूसरों की स्ट्रेंथ बनना है, तो इसके लिए आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ बनना होगा। और एक बार जब हम अपनी कमी को जान जाते हैं, तो हम अपनी कमी को समाप्त भी कर सकते हैं। तो सारा कुछ ऐसा ही एक विचार है सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, जो कहता है एवरीथिंग इज़ इन माइंड, सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है कि हम अपनी समस्याओं को कैसे लेते हैं, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे लेते हैं। तो ये जो विचार है एवरीथिंग इज़ इन माइंड, और अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो एक अधिकारी बन के एक जिले को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, आखिर आप ये दायित्व निभाएंगे कैसे। तो आप समझ लीजिए, अगर हम स्वराज, गांधी जो स्वराज की बात करते हैं, सेल्फ कंट्रोल ही तो गांधी का स्वराज है, कि यदि हम अपने ऊपर स्वराज प्राप्त नहीं कर पाते, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरों के ऊपर अपना शासन बनाएं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, सब कुछ आप ही कर सकते हैं। आप ही के अंदर अर्जुन है और आप ही के अंदर कृष्ण है। आप उस कृष्ण को ढूंढें, उस विवेक को ढूंढें, उस साहस को ढूंढें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। मैं बार बार हार्ड वर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन या तो आप छोड़ दें प्रयास करना, और फिर मैंने कहा यू आर नेवर डिफीटेड अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। इस संदर्भ में मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता बताना चाहती हूँ। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं, वो कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहें, आपकी हार नहीं होगी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई कार्य करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है इंटेग्रिटी। आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितनी ऑनेस्टी से वो कार्य किया है, उस कार्य की जो डिमांड है, क्या आपने इंटेग्रिटी के साथ उस डिमांड को फुलफिल किया है या नहीं किया है। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि अगर बार बार हार्ड वर्क करने से भी सफलता नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों को तो उस नन्ही चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। क्या चाहिए? मन का विश्वास, करेज। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आप चींटी जैसे प्राणी से प्रेरणा ले सकते हैं कि जो आपके अंदर विश्वास है, अपने प्रति जो विश्वास है, उसको आप कायम रखें। और मैं ये बता सकती हूँ कि जो असली सुख है, वो स्ट्रगल में है। असली सुख जो है, वो उस प्रोसेस में है, क्योंकि एक बार जब साध्य मिल जाता है, जब हमारा लक्ष्य मिल जाता है, तो मनुष्य फिर से एक नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। और हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप मनुष्य जगत को छोड़ दीजिए, आप प्राणी जगत में चींटी जैसे प्राणी से भी कितना कुछ सीख सकते हैं। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। और आखिरी लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या हमेशा भाग्य या अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए? देखिए, कर्म ही भाग्य है।
कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप भाग्य होता है, लेकिन उस भाग्य को आप बदल कैसे कर सकते हैं? उस भाग्य को आप कर्मों के माध्यम से ही बदल सकते हैं। और ये जो सेइंग है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर व्यक्ति ने साहस नहीं किया। आप वो जो एक आप कह सकते हैं मोहम्मद गजनवी या गौरी, मुझे इतिहास अभी उतना याद नहीं है, लेकिन उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और अंतिम बार उसको सफलता मिली या नहीं मिली, तो इतिहास जब भी आप पढ़ें, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। तो जब आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास से सीखिए। इतिहास में जिन नायकों को हम पढ़ते हैं, चाहे वो सिकंदर हो और चाहे वो गौरी हो, चाहे वो गजनी हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो अशोक हो, हर एक व्यक्ति इतनी ज़्यादा एक संदेश लेके आता है। समस्या हमारे अंदर है कि हम उस संदेश को ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे यही बात, तो आप देखिए कि ये जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने चींटी जैसे प्राणी से भी क्या मनुष्य को प्रेरणा मिल सकती है, कितनी खूबसूरती से, कितनी सुंदरता से इस बात को कहा है। प्रिपरेशन के दौरान भावात्मक दबाव से कैसे बचें? देखिए, मैंने फिर से यही कहा कि सब कुछ आपके अंदर है। अगर आप हारना चाहते हैं तो आप दबाव महसूस करिए, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप दबाव से बाहर आइए। एवरीथिंग इज इन आवर माइंड। और अगर आप खुद बदलना नहीं चाहते तो कोई आपको बदल नहीं सकता है। गॉड ऑल्सो हेल्प ओनली दोज हु हेल्प themselves। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके अंदर वो साहस है, क्या आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं क्या आप उसके लिए बने हैं, क्या आपके अंदर वो गुण है, क्या आप वो सेक्रीफाइसेस करना चाहते हैं। और अगर अर्जुन की तरह आप हमेशा उस लक्ष्य को नहीं देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। यदि आप अपने मन को भटकाते रहेंगे, जैसे आपने लिखा है कि प्रिपरेशन के दौरान प्रेम संबंध से हम कैसे समस्या का समाधान करें, तो प्रेम जो है, प्रेम तो विश्व की एक सबसे सकारात्मक भावना कहा जा सकता है। उस प्रेम, वही प्रेम है, वही प्रेम प्रेम है जो आपको एक तरीके का बल देता है, वरना वो प्रेम नहीं है, वो इल्यूजन है। ऐसा प्रेम जो आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की रुकावट कर रहा है, वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा शक्ति का ही एक दूसरा पर्याय है। तो प्रेम का जो संबंध है, आप पहले उसके सही मायने को समझें, और अगर आप उस सही मायने को समझेंगे तो यह प्रेम आपको किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न नहीं करेगा, ये तो आपको एक तरीके का संबल प्रदान करेगा। गॉड को किस रूप में देखना चाहिए? गॉड को ज्ञान के रूप में देखना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो गुरु मतलब क्या? गुरु कौन है? अर्जुन का गुरु कौन है? अर्जुन का गुरु है कृष्ण। कृष्ण कौन है? कृष्ण है ज्ञान, कृष्ण है विवेक। इसी बात को हीगल बताते हैं एब्सोल्यूट आइडिया या स्पिरिट के रूप में। तो भगवान मतलब ज्ञान, आपके अंदर भगवान है। आप अपने मन की बात को समझिए, उसके ऊपर आप जाइए। अगर आपने मन की बात को समझा, आपने अपनी आत्मा से वो जो गाइडेंस ली, तो आपको भी लोग भगवान मानने लगेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि इस जीवन में भगवान बनना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत कम लोग ही
अगर आप देखें तो भगवान, जिन लोगों को हम भगवान मानते हैं, चाहे वो ईसा मसीह हैं या जिनको हम महान आत्मा मानते हैं जैसे गांधी हैं, तो उन्होंने जो भी कार्य करे हैं, क्या वो इतने मुश्किल कार्य हैं जो हम नहीं कर सकते? क्या हम दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट नहीं कर सकते? क्या दूसरे के सुख को हम अपना सुख नहीं मान सकते? तो ये बहुत सारी आसान चीज़ें हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। इस दुनिया में तो भगवान खुद बन सकते हो आप, भगवान बनना काफ़ी आसान है। ऐसे लोग जिन्हें भगवान माना जाता है उनके जीवन से आप सीखिए, आप राम के जीवन से सीखिए कि उन्होंने अपने राजकाज को किस तरीके से छोड़ दिया। ये त्याग, भगवान क्या है? भगवान त्याग की मूर्ति है, भगवान प्रेम की मूर्ति है, भगवान शक्ति की मूर्ति है, भगवान विवेक की मूर्ति है। तो मैं विवेक को ही भगवान की संज्ञा देती हूँ। धन्यवाद आयुष, आपको अच्छा लग रहा है और आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप सब से बात करने में, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो वही प्रश्न हैं जो इस मंच पर होने चाहिए। इन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रश्न बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। मैम, इट सीम्स ईजी टू कमेंट ऑन अदर पेन्स, हाउएवर वैन इट हैपन्स विद आवर सेल्फ द सोरो बिगेंस चूइंग आवर ऑप्टिमिज्म एंड गुडनेस, समवेयर इट फील्स एज इफ नो बडी अंडरस्टैंड्स आवर सेल्व्स। देखिए, जो भी आप कह रहे हैं वो सच है। किसी भी प्रियजन को खोना, असफलता, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में दुख का कारण होती हैं। और चूंकि हम सभी बहुत ही साधारण मनुष्य हैं तो हमें इन चीज़ों से विचलित हम होंगे, ये काफ़ी नेचुरल है, ये काफ़ी स्वाभाविक है। लेकिन हमें जीना पड़ता है, हमें आगे जाना पड़ता है। और हमेशा आप अपने जीवन को हमेशा एक बहुत बड़ा दायरा दीजिए। आपका जो जीवन है आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके देश के लिए, आपके विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उस जीवन को के मूल्य को समझिए। आपको सिर्फ आप ही सहारा दे सकते हैं। आप कभी भी इतने कमज़ोर ना पड़े कि आपको बाहर से सहारा मिले। आप यही जानिए, जिन लोगों का नाम है इस देश दुनिया में, जिन लोगों को लोग नमस्कार करते हैं, जिन लोगों से लोग प्रेरणा लेते हैं, आपका भी जीवन वैसा ही होना चाहिए। तो उन लोगों में खास बात क्या है? उन लोगों के अंदर एक नेतृत्व का गुण है, एक नेतृत्व की भावना है। फाइन, तो इसी तरह जब हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो आपके अंदर एक नेतृत्व की भावना होनी चाहिए। तो एक जो नेता है, जो एक लीडर है, वो दूसरों की तरफ नहीं देखता, लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो आप खुद दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। जैसे आपने प्रश्न लिखा जो मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण है, इट सीम्स ईजी टू कमेंट ऑन अदर्स पेन, हाउएवर हाउ वेन द थिंग्स हैपन आवर ऑप्टिमिज्म एवरीथिंग गोज। तो ऐसे में जो आप खुद एक उदाहरण बन सकते हैं, ये जो प्रश्न इतना मुश्किल प्रश्न है कि हम कैसे अपना धैर्य रखें, तो कोशिश करिए कि आप खुद वो उदाहरण बने, आप खुद लोगों को प्रेरणा दें। क्या मनुष्य का कोई सीमा है? क्या मनुष्य जीवन में चाहे जो चाहे वो पा सकता है? हाँ, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि विवेकानंद जी ने भी तो यही कहा है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। अगर हम ऐसा सोचते कि भाई एवरेस्ट इतना ऊंचा है, क्या हम जा सकते हैं, तो लोग एवरेस्ट पर जाते? क्या लोग जिन्होंने एक्सप्लोरेशंस किया, लोग अमेरिका गए, लोग मार्स गए, हमें आज लगता है ना कि मार्स पे भी इंसान जा सकता है, उससे आगे भी जा सकता है। मनुष्य के अचीवमेंट की कोई सीमा नहीं है, अगर आप एक बार इस बात को ठान लें। इट इज़ सेफर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। ये कुछ आपने गलत लिख लिया है।
हमें अपनी जड़ता से हम कैसे लड़ें, जड़ता कभी आगे आने नहीं देती। तो आप मान लीजिए कि आप एक हारे व्यक्ति हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आपसे अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप हार गए कि जड़ता हमें आगे नहीं लाने दे सकती, आपको अपनी कमजोरियों पर खुद ही विजय प्राप्त करनी होगी। और ईश्वर ने हमारे अंदर विवेक दिया है, ईश्वर ने हमारे अंदर साहस दिया है। सबसे पहले आपके अंदर ये एक मोटिवेशन होना चाहिए ना कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सभी परिस्थितियां, सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएंगी, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ। इंसान बनना जब आसान नहीं है तो भगवान बनना कैसे आसान होता है। देखिए, भगवान और इंसान में कोई खास अंतर नहीं है, जो अच्छे इंसान है वही भगवान है। जो गांधी है वो भी तो इंसान ही थे। अंततः अगर हम कह सकते हैं कि कृष्ण ने भी तो, या राम ने, या मोहम्मद साहब ने, या ईसा मसीह, सभी ने तो इंसान के ही रूप में जन्म लिया और उन्होंने ऐसे काम किए कि लोग उन्हें भगवान मानते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर वो संभावना है। हमारे वेदांतों में ये कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर भगवान है, लेकिन कभी आप उसको जानने की तो कोशिश करें। भगवान एक जो हमसे उच्च इंसान है, वही तो भगवान है। एक आदर्श नायक और एक ब्यूरोक्रेट में क्या क्या गुण होने चाहिए, मैं सभी सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगी कि आप ब्यूरोक्रेट शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि ये वर्ड जो है ये एक नकारात्मक, ये एक नेगेटिव कोनोटेशन को रखता है। आप एक पब्लिक सर्वेंट शब्द का उपयोग करें, और एक आदर्श नायक ही एक अच्छा पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। How to overcome the failures? साहस करें, मेहनत करें, there is no substitute to hard work. How can I control my emotions? मेरे हिसाब से सब कुछ आपके अंदर है, अगर आप करना चाहेंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे, और अगर आप सच करना नहीं चाहते, अगर आपने अपनी समस्याओं से लड़ना नहीं चाहते, तो फिर तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो अब हम इसको यहाँ पर, इस परिचर्चा को का समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज फिर से मैं दोहराती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रश्नों को देख करके, और मैं यही चाहती हूँ कि आप केवल एग्ज़ाम तक अपनी सोच ना रखें, आपका लक्ष्य होना चाहिए एक सुंदर जीवन। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।